हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल को। हमारे ये चैनल से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, एज लिमिट आ चुकी है, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपके सामने हैं। अब प्रश्न उठता है कि एसएससी की परीक्षा जो है वो पास कैसे की जाए, तो मैं आज कुछ बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। इन्हें आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, जिससे कि आप एसएससी की तैयारी, सीजीएल की टीयर वन और टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड तक की परीक्षा की तैयारी आप कर सकें। यानी कि अंतिम जो अवसर है, अंतिम जो समय है, उसमें आपको बेवजह की परेशानियों में ना पड़ना पड़े। तो सबसे पहले मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनसे अक्सर एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में या सीएचएसएल की कोई भी एसएससी की परीक्षा हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा अरिहंत फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये बुक बहुत अच्छी है। इसे एसएससी परीक्षाओं में अधिकतर शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरी बुक है मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, ये भी अच्छी बुक है मैथ्स के लिए। और तीसरी बुक है एडवांस मैथ बाय राकेश यादव। तो इस तरह से ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की महत्वपूर्ण बुक है। इसके साथ साथ आर एस अग्रवाल, जो इसमें नहीं दिया गया है, उस बुक को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस बुक से भी तैयारी करने के लिए, बहुत ही उपयोगी बुक है मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कौन सी एसएससी के लिए अच्छी बुक है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन की है ये। क्विक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आरएस अग्रवाल एंड विकास अग्रवाल। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बुक है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, ए के सिंह की। तो इन बुकों को परचेज़ करें और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। बात करें रीजनिंग की, तो सबसे पहले जो बुक आप लेंगे एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिक बाय बी एस सिजवाली और इंदु सिजवाल की बुक को भी आप प्रीफ्रेंस में रख सकते हैं। जो मैंने आपको 1, 2, 3 करके जो बताया है इसमें, उसके अकॉर्डिंग पहला प्रिफ्रेंस अब मेरा 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3। तो इस तरह से आप रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, मनोरमा एयर बुक लेटेस्ट है इंग्लिश की, ये अच्छी बुक है। इसके अलावा लूसेंट जनरल नॉलेज की जो लेटेस्ट ऑप्शनल या थियोटिकल, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। इसके अलावा आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स जो आए हैं, उनको लेना अवश्य जरूर लें, जिससे कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो, क्योंकि एसएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में, वो पिछले 10 या 12 साल में लगातार आते रहते हैं। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस तक का जो बुक्स हैं वो हमने आपको बताई, टीयर वन और टीयर सेकेंड की। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ज़रूर लें आप, अरिहंत एसएससी सीजीएल सॉल्व पेपर 2010 से आज तक की डेट के ले लें, किरण एसएससी सीजीएल कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम क्वेश्चन बैक 1999 से आज तक की डेट के सभी तरह के पेपर्स ले लें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बात करते हैं टीयर थर्ड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो एसएससी ने रखा है, उसमें सबसे पहले ऐसे के लिए आपको सबसे बढ़िया बुक है 151 ऐसे बाई अरिहंत पब्लिकेशन। ये यूपीएससी की टूपर टीना डाबी जो हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है इस बुक को, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी जो बुक है वो है कंटेम्पररी ऐसे टाटा मैक ग्रो हिल्स पब्लिकेशन की, ये भी यूपीएससी टॉपर टीना डाबी द्वारा सजेस्ट किया गया है। तीसरा है निबंधमाला 221 हिंदी निबंधमाला, अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक है, ये हिंदी में मिलेगी आपको। एक और है पुस्तक, वो है निबंध मंजुषा टाटा मैक ग्रो हिल्स पब्लिकेशन की, ये भी आपको हिंदी में प्रोवाइड होगी। लेटर राइटिंग के लिए सबसे अच्छी बुक है ए हैंड लेटर ऑफ राइटिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन की और अनुधानिक पत्र लेखन बाय अरिहंत पब्लिकेशन की, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों अरिहंत पब्लिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिसिस के लिए द बेस्ट अप्रोच टू फ्रिस राइटिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन की, इसमें भी अच्छा है और सरल हिंदी निबंध भी है, ये हिंदी में मिलेगी, ये भी आपको अच्छा है। तो इन बुक्स को टीयर थर्ड के लिए ले सकते हैं।
तो इस तरह से ये SSC CGL टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर थर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताई। आप इसमें अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो बुक्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।